अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है मुझे आप सब अच्छे होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ अपना छोटा सा मेकअप जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी डेली लाइफ में। तो मैं आज आप लोग से अपना मेकअप शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे पास है हुदा ब्यूटी का ब्रश सेट। ये देखें, ये इसमें काफ़ी सारे हैं, ब्लशर लगाने का भी है, आई शेडो लगाने का भी है, और ये आईब्रो सेट करने का है। काफ़ी सारे हैं, एक्चुअली मेरे सबके नाम नहीं आते हैं, सबके नाम होते हैं कुछ कट वाले और कुछ ऐसा ना। लगाना मुझे आते नहीं है, लेकिन मुझे लेने का शौक था तो मैंने ये छोटा सा सेट अपने लिए ले लिया था। मेरे पास ये है। अच्छा जी, मेरे पास एक ये है हुदा ब्यूटी का फेस पाउडर है 5-in-1। ये मैंने दराज से मैंने ऑर्डर किया था। प्लीज़ ये आप लोग ऑर्डर मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी इसकी, तो मैंने सोचा चलो घर बैठे आ जाएगा तो क्यों ना मैं ना इसे ऑर्डर करूँ। तो जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो इसमें 5-in-1 यानी कि इसमें 5 पाउडर हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा ना, 5 पाउडर हैं। मैंने ऐसी खुशी में ऑर्डर कर दिया कि चलें अच्छा खासा टाइम इसमें निकल जाएगा, बट ना मैंने गलती कर ली इसे ऑर्डर करके। मैंने दराज ऑर्डर किया था ऐसे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है चेहरे पे जैसे कोई चूना लगा दिया हो। दराज वालों ने मुझे चूना लगा दिया और मैंने चेहरे पे चूना लगा दिया। तो ये कि मैंने तो इसे ऑर्डर करके मंगवा लिया था, लेकिन आप लोग गलती मत करना। ये 5 हैं लेकिन 5 किसी काम के नहीं हैं, यूँ समझे बस जब बच्चे खेलते हैं ना आपस में, गुड़िया वगैरह के फेस पे लगाते हैं अपनी डॉल के, तो ये उसे उस हिसाब से अच्छे हैं बिल्कुल। देखो उनको फेयर कलर का है और ये थोड़ा डल्क्स का है। तो ये मैंने गलती कर ली थी, प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है? और हालांकि तो महंगा भी नहीं है, 135 का है ही, और ना 15 रुपीज़ है ना उसकी डिलीवरी चार्जेस थी। तो प्लीज़ ये आप लोग ऑर्डर मत करना। एक्चुअली मुझे मेकअप की थी पहचान वगैरह नहीं थी, तो बस मैंने ये ले लिया और पर से ले तो लिया, बस ये पड़ा है ऐसे ही, ठीक है? और अब मैं आपसे अपनी सबसे फेवरेट चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, मेरा पसंदीदा ग्लैमर्स का ये आई शेडो पैलेट है, और इसमें 48 कलर्स हैं। ये देखिए, आप लोग क्लियर नज़र आ रहा है, ये मेरा पसंद का है। इसमें तमाम शेड्स हैं, मुझे इसके अलावा मुझे कोई अच्छा लगता भी नहीं है, और मुझे कभी ज़रूरत पड़ी भी नहीं, क्योंकि इसमें ऑल टू ऑल कलर्स हैं, और इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़बरदस्त है कि ना ये देखें बिल्कुल ईजली लग जाता है, और ना इसकी शाइन, मतलब मुझे एक्स्ट्रा कोई शेड वगैरह बना के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर ड्रेस के हिसाब से मुझे ना कलर्स मुझे इसमें मिल जाते हैं आराम से। ये देखिए कितना ईजली, हालांकि मुझे मेकअप करना वो नहीं है, नहीं मुझे लगाना आता है, लेकिन मुझे शौक था कि मेरा पैलेट अच्छी वाली होनी चाहिए। ये देखिए कितना ईजली, मतलब लगने के लग रहा है कोई, मतलब उसमें कुछ खिसना वगैरह नहीं पड़ रहा। और ये देखें, ये मैट है, साफ कर लेती फिंगर से। ये देखें कौन सा कलर, आप लोग को ब्लू कलर दिखाती हूँ। ये देखें कितना ईजी लग गया। ये मेरा पसंद का पैलेट है और ये मेरा बहुत यूज़ में आता है, हालांकि इसमें देखिए कोई से भी कलर ख़त्म नहीं हुआ हुआ है, बट ये मेरे यूज़ में बहुत आता है, क्योंकि मैं हर बार एक ही शेड लगाती हूँ, तो ये मेरे बहुत काम की चीज़ है, मेरी मेकअप में सबसे ज़्यादा मेरी पसंद की चीज़ है। ग्लैमर्स का फेस मखमली मैट टच है ये, और मैं कहती हूँ अगर आप लोगों को पैलेट लेना हो तो ये ग्लैमर्स की ज़रूर लेना, क्योंकि इसमें तमाम कलर्स हैं। और है ना, ये तो मैं अपनी शादी में लिया था, तो मुझे सही दाम में मिला था, अब तो मैं उसे काफ़ी महंगा हो गया, बट इसके कलर माइंड ब्लोइंग है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास ये है आइकॉनिक का लंदन का है ये, और ना बट ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था, मुझे ना बड़ा शौक था आइकॉनिक का है ना ये लगाने का, बट है ना इसको एक साल हो गया, मैंने एक साल पहले से ऑर्डर किया था, बट ये भी मुझे लगाना नहीं आता, मुझे बस शौक था ना कि ये मेरे पास होना चाहिए, और मुझे लगाना नहीं आता इसका कोई तरीका है, कार है इसको यूज़ करने का। ये लगने वाला तो खूबसूरत लगता है, इतना ज़बरदस्त शाइन करता है ये, बट इन्हें जो एक्सपर्ट होना ही उनके लिए बेस्ट है। ये देखें
मुझे लगाना नहीं था, जब से बस ऐसे पड़ा हुआ ही है इसको मैंने बस जो गत्ता है इसका एक थोड़ा ख़राब हो गया तो मैंने फेंक दिया, बाकी आइकॉनिक का ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा जी, परफ्यूम मैं लगाती नहीं हूँ, बट ये कि ना छोटा सा मैंने रख लिया है, कभी ना कभी अच्छा ऐसे दिल हो जाता है ना, थोड़ी सी खुशबू आनी चाहिए इंसान में से, तो ये यूँ रख दिया है। ये दरहम का है और ये बहुत ही अच्छा है, तो बस ये साल से भी ज़्यादा हो गया मेरे पास चल रहा है, आप देख लें तो छोटा सा है लेकिन बट चल रहा है ये काफ़ी टाइम से। ब्लशन, ब्लशन मुझे बहुत पसंद है, ब्लशन ये देखें, ये मेरा छोटा सा ब्लशन है, इसमें 3 शेड्स हैं और मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, इसलिए मेरी तमाम चीज़ों में आपको पिंक कलर ज़रूर मिलेगा। तो ये मैंने ईद पर ही दिया था, मेरा ब्लशन पुराने ब्लशन में ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इस रमज़ान ईद पर रोमांटिक कलर्स प्रोफेशनल मेकअप फैशन ट्रेंड, तो ये मुझे 250 का मुझे मिल गया था, ये मैंने कहा सही कैजुअली यूज़ करने के लिए ना। और ये मेरा फेवरेट, मेरे पास मखसूस मेकअप है लेकिन बट सारा अच्छा अच्छा है। और ये ब्लशन लगाने के बाद जो मैं यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा जो गाल थोड़े शाइन करने चाहिए, तो ये मेरा बहुत पसंद का लाइट पिंक ये है। और मेरे पास है मैक का हाइलाइटर, ये काफ़ी पुराना हो गया है क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी पता है इतना शाइन करता है कि इतना ज़्यादा ये भर भर के यूज़ में नहीं आता है, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम चल जाता है, बट इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़बरदस्त शाइन करता है, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाता है, तो ये ले लो तो समझो छुट्टी हो जाती है फिर। अच्छा जी, और ये मेरा फेस पाउडर भी ग्लैमर्स का है, मुझे कौन सा नंबर यूज़ करती हूँ, 2 नंबर यूज़ करती हूँ, कलर नंबर मेरा 2 है, मुझे बिल्कुल परफेक्ट ये आता है। और ये मैंने अभी ईद पर ही लिया था, मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने नया लिया है, और ये बहुत अच्छा है। ग्लैमर्स की मैं कहती हूँ हर चीज़ अच्छी है, तकरीबन मेरे पास ग्लैमर्स का ही सामान है, भले थोड़ा सा है लेकिन ग्लैमर्स का ही है, ग्लैमर्स की हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये मेरा ग्लैमर्स का फेस पाउडर है, ठीक है, और ये इसका बॉक्स अब इसलिए न्यू इसलिए है क्योंकि मैंने अभी रमज़ान ईद पर ही लिया था ये। अच्छा जी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना तो मैं कहीं निकलती ही नहीं हूँ, क्रायलॉन का टीवी पैंट स्टिक है ये, ठीक है। मैंने अपनी शादी में लिया था तब मुझे ये 1500 इतने का मिला था और मेरा ख़त्म हो गया, ज़ाहिर सी बात है ये ज़्यादा यूज़ में आता है मेरे, तो ख़त्म हो गया था। तो अब जो मैंने लिया है तो ये मुझे 2800 रुपये का पड़ा है, यानी कि 2800 का। ये देखें मुझे कलर इसका आता है 45, क्योंकि मैं एक ही यूज़ करती हूँ, मतलब अक्सर लोग ना मिला के 38 और 36 मिला के यूज़ करते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं तो कैजुअली यूज़ करती हूँ, हमारा आना जाना बहुत है ससुराल में, तो ये कहना मुझे कैजुअली 45 मेरे फेस के हिसाब से ना मुझे बिल्कुल परफेक्ट आता है। और ये अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूँ, ये इसमें मतलब 2 नंबर कॉपी भी आती है, वो तो हर चीज़ की कॉपी आती है चाहे कपड़ा हो कुछ भी हो, तो ये कि इसकी भी क्रायलॉन की भी कॉपी आती है। और मैं इस बार एक बार मैं इसमें भी फंसी थी, मैं दराज से ऑर्डर किया था, वो मुझे 400 का पड़ा था, आईवॉरी का मैंने ऑर्डर किया था, तो वो ये कि आ तो गया था 400 में बट वो नकली था, तो इसकी पहचान ये कि यहाँ पे है ना स्क्रैच कोड होता है यहाँ पे, अगर वो हटाएंगे आपको कंफर्म करने के लिए आप कंपनी मैसेज करें, इसके नीचे नंबर निकलेगा, तो फिर वहाँ से कंफर्म हो गया था कि आपकी चीज़ असल है कि नकल है। तो बस जो मैंने गलती कर ली थी, और मैं ऐसी गलती काफ़ी करती हूँ, मैं लुट चुकी हूँ मैं काफ़ी जगहों पर, तो ये ओरिजिनल है, ये मैंने डायरेक्ट क्रायलॉन की कंपनी से मैंने लिया है, डायरेक्ट जाके मैंने कोई ऑर्डर वर्डर नहीं किया था क्योंकि फिर हम लुट जाते हैं और पैसे भी जाते हैं और चीज़ भी ख़राब आती है, तो ये कहती हूँ उसके बिना मेरा मेकअप अधूरा है। ये देख लें, ये बिल्कुल असल है, इसमें ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, ये मुझे यूज़ करना नहीं आता है, ये मेरी जेठानी ने मुझे दिया था, कहना से मतलब काफ़ी अच्छा बेस बनता है ना, तो काफ़ी ट्राई देखें यहाँ से थोड़ा यूज़ हुआ है, तो मैंने ट्राई किया था ना, नया नया शौक बंदे को होता है कि नई चीज़ है तो चलो थोड़ा इस्तेमाल करें, तो यूज़ किया था, तो एक ही मुझे तो ज़्यादा खास मुझे यूज़ करना नहीं आता, बट ये इसकी बहुत अच्छा है ये, वैसे ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं बट मुझे मज़ा नहीं आता, मैं तो अपने नॉर्मल पफ से यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी रखा हुआ है, कभी शौक चढ़ता है तो बंदा यूज़ कर लेता है। अच्छा जी, और ये आ जाती है चमक की बारी, ये है ग्लिटर, आजकल फैशन चल रहा है ना, तो ये आई मेकअप जब हालांकि मुझे आता नहीं है, मेरी सिस्टर बहुत ही बेस्ट ब्यूटिशियन है, वो मेकअप तो मुझे हेवी मेकअप करवाना होता है तो उन्हीं से करवाती हूँ, बट ये कि मैंने अपने पास ही मल्टी शेड का रख लिया है, कभी बंदा है हल्का फुल्का मेकअप करने का मूड हो गया, किसी दूर की शादी है तो खुद से कर लिया,
तो इसलिए मैंने मल्टी कलर के शेड्स रखा हुआ है, कभी खुद से ही लगा लिया, तैयार हो गए, थोड़ा जगमग हो जाते हैं। तो ये मैंने ग्लिटर रखी हुई है, इसको कैसा फैशन है। ठीक है, अब आ जाती है इसकी बारी। ये है स्पार्किंग डस्ट W.Gold 168 नंबर है इसका, और ये क्रिस्चन का है। और इसका तो क्या बताऊँ, ये ना मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये इसका इतनी प्यारी इसकी आईज लगती है। अब आईज़ पे कुछ भी ना करना, आपको जिस कलर का ड्रेस है आप पहले वो हल्का सा उसको शेड दे दें अपनी आईज़ पर, और उसके बाद आप ये डस्ट उसकी अपनी आँखों पर लगाएँ, और फिर जो उसकी आपकी आँखें हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब चमकती होती खूबसूरत, मतलब एक होता ना चीप टाइप का चमकना है वैसा नहीं होता, बिल्कुल लाइट सा एक आँखों में ना शेड सा आता है खूबसूरत सा। तो ये बहुत खूबसूरत आँखें लगती हैं। और ये तो मुझे समझो जिस तरह से मुझे ग्लैमर्स की हर चीज़ पसंद है, इस तरह से ये मेरा स्पार्किंग डस्ट है, ये समझो हर मेकअप में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये है मेरे पास। और बारी आ जाती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक तकरीबन आपको मेरे पास मिलेगी रेड और पिंक। ठीक है, क्योंकि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कलर ही पिंक है। मगर जो मेरे पास लिपस्टिक है सिर्फ मुझे मेरे पास होगी रेड पिंक, रेड पिंक, रेड पिंक, ये सारी मेरी लिपस्टिक है। अच्छा, लिपस्टिक सारी अलग अलग ब्रांड की है, कोई मतलब एक नहीं है क्योंकि मुझे जो कलर पसंद आता है तो मैं ये नहीं सोचती कि यार कौन से ब्रांड की है, कहाँ की है, बट कलर अच्छा लग जाता है तो ले लेती हूँ। ये देखिए ये किसकी है, मेडोरा की है, और ये भी पिंक कलर है जो मैंने बहुत यूज़ कर लिया है, तो खैर ये ख़त्म होने वाली है। और ये भी पिंक कलर है, दिख रहा है आपको क्लियर, ओके, ये भी पिंक कलर है, ये रेड कलर है, बस ये दो ही मेरे पास कलर्स आपको मिलेंगे। ये भी पिंक है, पीच पिंक का शेड है, ये मुझे बहुत पसंद है, बट कलर सारे ऐसे ही हैं मेरे पास। ये रेड लिप ग्लोज है, और ये पीच पिंक के शेड में है, ये थोड़ा ब्राउनिश की शेड में भी आता है, लगने पर बहुत खूबसूरत लगता है ये कलर्स में। ये भी मेडोरा का है, ये कलर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है लगने के बाद ही, अब कैजुअली नॉर्मली का मतलब कहीं फटाफट जा रहे हैं फटाफट ये लगाई, और ये बहुत ही चेहरे पे क्यूट लगती है। अच्छा जी, इसका नंबर है 704, ये देखें। अच्छा जी, और ये लिपस्टिक, ये हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक है, और मेरे ख्याल से ये मेरी सास का फेवरेट कलर है, एक्चुअली उनको ना डार्क कलर पसंद है, तो ये कलर्स मैंने उनके लिए रखा हुआ है। ये देख रहे डार्क ब्राउन है, उन्हें डार्क ब्राउन, डार्क मेहरून उन्हें कलर बहुत पसंद है, तो ये मैंने रखा है उनके लिए। वो जब वैसे खाए वो तो ज़्यादा लगाती नहीं है, बट कहीं शादी में घर की करीब की शादी होती है तो ये लगाती, तो ये मैंने उनके लिए रखा हुआ है, ये मैं खुद नहीं लगाती, ये मेरी सासू माँ के लिए रखा है मैंने। अच्छा जी, ये है डस्ट गोल्ड का लिपस्टिक कलर है, और ये कलर बहुत देखें कितना खूबसूरत कलर है, ये बहुत ही प्यारा था। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये कलर पसंद नहीं आता, ये बहुत ही चेहरा से डल डल नज़र आता है, मॉडल कलर है ना, तो ये कि मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे तो यूज़ में बहुत आता है ये। बाकी आउटलाइन भी आपको मेरी पिंक मिलेगी, ये रेड कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर है ये। नेल पॉलिश भी आपको देख रहे हैं आप, रेड है मेरे पास। ये लिप ग्लोज है, ये भी पिंक है, ये लिप ग्लोज भी यही ब्राउनिश का एक शेड है, ये भी हुदा ब्यूटी का है, और ये पिंक शॉकिंग पिंक, ठीक है ये है। और ये मेरे पास है ग्लिटर, ग्लिटर का पास आई शेडो है, आप जगह मतलब जैसे डस्ट वाली है जो पापा ये मैंने आपको बताई थी, डस्ट वाली है ये ग्लिटर, और ये ऐसी है। खैर ये मुझे ना मैंने ले तो ली थी लेकिन बट मुझे ज़्यादा यूज़ में नहीं आती ना ये मेरे, बट ये लगने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है, ये देखिए बहुत ईजी लगती है, मतलब उसमें कुछ लेने की या लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसमें मेरा फेवरेट कलर पिंक है, ग्रीन मैंने लिया था क्योंकि मेरे ड्रेस का मैचिंग था, और ये कॉपर कलर है, तो ये भी मेरी मतलब की सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब बात आ जाती है काजल पर, जो आंखों के अंदर हम लगाते हैं, ये हाशमानी का है, इतना ज़बरदस्त बिल्कुल जेट ब्लैक है ये, और ये लगने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और इसके बिना आँखें वो कहते हैं ना सूनी सूनी सी है, तो रोई रोई सी आँखें, तो इसके बिना तो आँखें आपकी एकदम अधूरी। ये काफ़ी पुराना हो गया, टूट भी गया इसका कैप ना, बट बहुत काम की चीज़ है। अच्छा जी, ये है बॉब का मस्कारा, पहले मैं ग्लैमर्स का ही मस्कारा यूज़ करती थी, बट है ना सिस्टर मेरी ब्यूटिशियन है तो उन्होंने ना मुझे गाइड किया कि अब तुम चेंज करो और तुम है ना बॉब का मस्कारा लो, और बॉब का मस्कारा बहुत ज़बरदस्त है, मैंने यूज़ किया है, मैंने ईद से पहले लिया था,
तो इसका जो लैशेज़ की आई लैशेज़ यानी कि लगाने बाद नहीं बड़ी हो जाती है, कैसा था आई लैशेज़ लगाई हुई है, तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है। ये मैं उनसे 250 या 300 का मैंने लिया था, ऐसे कुछ लिया था, बट इसका रिज़ल्ट माइंड ब्लोइंग है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाता है हाशमी का सुरमा, जो कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट कि मैंने अपनी बेटियों के लिए रखा हुआ है क्योंकि बच्चों को लगाना चाहिए सुरमा, तो बस ये चीज़ मैंने उनके लिए रखी है। और मैं ख़ुद भी नहीं लगाती, मुझे ये मेरी सास लगा के देती है बच्चों को, क्योंकि मैं अंदर आँख के अंदर घुसा देती हूँ उनके ना, तो ये मेरी सास के काम है, ये वही करती है। ये देखें बिल्कुल फुल हुआ है, क्योंकि मैं तो यूज़ में ही नहीं आता है, बट ये क्या ज़रूरी है, काम की चीज़ है। तो गाइस ये था मेरा मेकअप, और थोड़ा सा था, बट ये कि ये सारी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं और इसी एक बॉक्स में मेरा सारा मेकअप आ जाता है। तो प्लीज़ आप बताना और कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा मेकअप कैसा लगा। ठीक है, और ना प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा मोटा सा ज़रा सा मेकअप कैसा लगा। मैं फिर बता रही हूँ कि आप लोग है ना दराज से इसको बिल्कुल ऑर्डर ना कीजिएगा, मैंने ले तो लिया बट ऐसे ही पड़ा हुआ ये। ठीक है, और ये देखें मेरी बेटी ने क्या हल किया हुआ है मेरे ब्रशेस का, सारे निकाल के देखो इसने फेंके हुए हैं, ये देखो, और ये खूब खेल रही है मेरे ब्रशेस के साथ, ये देखो, ये सारे मेरी बेटी के काम है, ये रही है छोटी बेटी।